हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की खबर उनके लिए थोड़ा अच्छी है जिनका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी मिल चुकी है। एसटीएफ ने जांच में दोनों परीक्षाओं में नहीं पाई कोई गड़बड़ी। तो ये आज ही की खबर है। 13 जनवरी को एसटीएफ से परीक्षाओं को लेकर मांगी गई थी क्लियरेंस। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पत्र भेज दोनों परीक्षाओं के लिए मांगी थी क्लियरेंस। ठीक है, पटवारी पेपर लीक मामले के बाद गहराया था गड़बड़ी का शक, तो संदेह था इस परीक्षा पर। फॉरेस्ट गार्ड और भर्ती पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को लेकर क्लियरेंस दे दी है। ठीक है, तो ये यूकेपीएससी के सचिव बोल रहे हैं, इन सभी परीक्षाओं की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। अब निर्धारित तिथि के अनुसार 22 जनवरी को फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा कराई जाएगी, जबकि पुलिस भर्ती का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए खासकर अच्छी खबर है जिनके फिजिकल में भी अच्छे नंबर थे और रिटन में भी जिनका स्कोर 65-70 प्लस हो चुका था, तो क्योंकि उनके लगभग चांसेस पूरे के पूरे ही हो रहे थे होने के। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है कि जल्द ही आपका रिजल्ट जो है तैयार होकर आ जाएगा, और उम्मीद यही करते हैं कि फिर ट्रेनिंग शुरू होगी, क्योंकि जो बेरोज़गार छात्र हैं वो यही चाहता है कि तैयारी करें और नौकरी लगे। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो उत्तराखंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, छोटा मोटा ग्रहण लगता रहता है ना। तो बस यही दुआ करो कि इसमें आगे कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम निकला होता है देखो वही जानता है। बाकी तो कई ऐसे भी सोचेंगे, क्योंकि फेल वाले कम नंबर वाले ज़्यादा होते हैं हमेशा। ठीक है, अच्छे नंबर वाले तो उतने ही होंगे जितने पद हैं, लेकिन कम वाले कितने होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए बस दुआ करो अभी कि ये भर्ती तुम्हारी क्लियर हो जाए और तुम्हें एक जॉब कम से कम कंफर्म मिल जाए, है ना। तो बस 10-10 मिनट पूजा करना स्टार्ट कर दो एक्स्ट्रा। ठीक है, तो छोटा मोटा ग्रहण है वो हट जाएगा, और तुम समझ गए होंगे कि कौन सा ग्रहण चल रहा है अभी, तो उठ सकता है मतलब इसमें, है ना, जिसमें ये बात उठी थी कि भाई 9 लाख रुपए चले। तो देखो अभी बात सही है गलत है क्या नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर हर भर्ती को तुम वो करवा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं नुकसान ही है, क्योंकि जिस शिद्दत से तुम इसके पीछे लग रहे हो कि भर्ती में कमी हम वो निकाल के उजागर करके उसको रद्द करेंगे, इसी तरीके से तुम ये भी देखो कि जो भर्तियाँ ठीक हैं उसमें क्यों नहीं लग रहे हो तुम कि इनको मैं जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिलवाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे ये बात भी आ रही है, तो तैयारी करते रहो। देखो उम्मीद है कि आगे से कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं निकलेगी जैसी अभी पटवारी में भी थी। तो 22 जनवरी को जिनकी परीक्षा है उन्हें भी शुभकामनाएं, फॉरेस्ट गार्ड और जिसका पुलिस का पहले अच्छा हो चुका है तो उसको भी डबल है, उसको तो कि दोनों में से फिर अगर दोनों में नाम आएगा तो फिर वो उसके पास विकल्प होगा कि कहाँ पे उसको जाना है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही है, धन्यवाद।